हाँ मैं छत पे हूँ, छत पे हूँ, छत पे हूँ। हाँ मैं नीचे नीचे कार के पास, कार के पास हूँ, कार के पास हूँ। हाँ मैं जा रहा हूँ ऊपर, जा रहा हूँ ऊपर, जा रहा हूँ। मेरे पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए तू। अबे यार रोशन, हाँ हाँ रोशन बोल। अरे भाई कहाँ पर है तू? भाई मैं घर पे ही हूँ, मैं यार गेम खेल रहा हूँ यार। अरे यार तू गेम खेल रहा है भाई? टर्म हाँ की डेट आ चुकी है, क्या बातें कर रहा है यार? पढ़ाई कब करनी है, कैसे प्लान करना है? हाँ मैथ्स बोल साइंस बोल एस एस भाई। की तो पढ़ी है केल्विन से, हाँ इंग्लिश कैसे पढ़ेगा, इतने चैप्टर है, अबे रीडिंग, इंग्लिश से डर गया तू? वो भाई कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग है, लिटरेचर है, ग्रामर है। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे फर्स्ट टर्म में नहीं थी यार ये। अरे भाई अब की बार भी कर लेंगे, पिछली बार भी मेरे 70% के आसपास आ गए थे यार, 60-70 हो जाता है यार अपना। यार ठीक है तू तू भाई फोन काट अरे दे। सुन मैं सुन भाई मैं भी गेम खेल रहा हूँ, प्लीज अब थोड़ी यार देर सुन बाद में बात ना, करता हूँ यार। हेलो अभी नहीं, अभी नहीं यार। अरे हट यार। हाँ मैं कार में हूँ, कार में हूँ, कार में हूँ। हाँ इधर की तरफ, इधर की। हाँ दो घर हैं, दो घर हैं, दूसरी मिल गई मुझे कार। आ जाओ यार, अब आदित्य को क्या काम है? हाँ भाई आदित्य बोल। क्या हो गया भाई, इतना इरिटेट क्यों हो रहा है? भाई यार अभी अभी रोशन का फोन आया था, वो इंग्लिश के लिए कुछ कह रहा था, फालतू में परेशान हो रहा है। और जैसे टर्म वन में इंग्लिश थी नहीं। हाँ इधर 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 अरे तो सही तो बारी कह रहा हूँ। है वो भाई, मैथ साइंस एस एस टी तो पढ़ ली केल्विन से हमने बढ़िया तरीके से, हाँ बट इंग्लिश कैसे पढ़ेगा भाई, इतनी सारी चीजें अरे उसमें भाई है कर लेंगे यार, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है यार। तुम लोग तो पता नहीं क्यों डर रहे हो। भाई। ये एक दिन वाली गेम नहीं है, तुम खुद सोचो यार कि अगर तूने इंग्लिश भी उसी तरीके से पढ़ ली जैसे मैथ साइंस एस एस टी पढ़ी है, तो तेरे मार्क्स कितने बढ़िया आएंगे, परसेंटेज कितनी तगड़ी इंप्रूव होगी। ये सोचा तूने कि इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और अगर इंग्लिश में तेरे मार्क्स अच्छे आए तो तेरी परसेंटेज ओवरऑल बढ़ा देगा वो, यानी कि 10th में तू और बढ़िया परसेंटेज लेकर आ सकता है। क्या हुआ इसी कंडीशन पर हो गया? अगर इसी कंडीशन पर हो, अभी तक इंग्लिश को प्रायोरिटी नहीं दी थी, इंग्लिश नहीं पढ़ी थी, सोचा था कि एंड में जाकर के पढ़ेंगे, तो भाई लोग 60-70% पे ही सिमट जाओगे इंग्लिश में। लेकिन अगर चाहते हो कि ऐसे 60-70% को 95 तक लेकर के जाएं, ये जो 25%, 25 से 35% के जो मार्क्स हैं, ये जो बढ़ जाएं तुम्हारे 25 से 35 मार्क्स अगर बढ़ जाएं तुम्हारे, तो तुम्हारी मार्कशीट में एक नया चांद लगेगा, एक नया सितारा लगेगा। जब तुम लोग मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में झंडे गाड़ चुके होगे, तो ये इंग्लिश आकर के एक और झंडा गाड़ेगा और आपकी मार्कशीट को कर देगा और सुंदर। वो कैसे कर पाएगा? क्योंकि अब ये जो बचा हुआ टाइम है, अगर इस बचे हुए टाइम में सही मेंटरिंग के साथ आप लोगों ने सारे चैप्टर्स कर लिए, तो सारी की सारी चीजें हो सकती है। अभी भी चीजें पॉसिबल हैं बच्चों, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाएगा और आपको प्राउड फील करवाए। तो इसी वजह से हम लोग आप लोगों के लिए कोर्स लेकर के आए, जिसमें आप लोगों को कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग बच्चों एवरीथिंग, जो जो चीजें आप लोगों को इंग्लिश में चाहिए, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो राइटिंग स्किल हो, चाहे वो रीडिंग स्किल हो, हर एक चीज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं हमारे इस इंग्लिश के कोर्स में, टर्म टू कोर्स में। इवन यही नहीं कि अगर आप लोग इनमें से कुछ भी पढ़ते हैं, किसी में भी कोई भी डाउट आता है, तो आप लोगों के लिए है बच्चों डाउट सॉल्विंग आपको ग्रुप मिलेगा। इससे पहले जब कहीं भी तुम लोग इनमें से कहीं पर भी अटकते थे, आज से पहले तुम लोग ये नहीं पूछ पाते थे यार इंग्लिश में डाउट आ रहा है। भाई इंग्लिश में कहीं पर भी जाकर के तुम यूट्यूब पे वीडियो देखो, कहीं पर भी जाओ, लेकिन तुम लोगों को दिक्कत क्यों होती थी कि यार डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा, मैं क्या करूं? अब डाउट क्लियर हो पाएगा, क्योंकि आपको मिलेगा स्पेशलाइज्ड ग्रुप, और उस ग्रुप में आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं, ये हुआ ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, हर एक चीज का आपको जवाब मिलेगा। और ये सब कुछ हो पा रहा है सिर्फ और सिर्फ बच्चों 249 में। हालांकि इस कोर्स का जो प्राइस था 549 था, लेकिन आप लोगों के लिए खास बच्चों, सिर्फ आप लोगों के लिए 249 रुपीज है। सो बच्चों इंतजार किस बात का है, सोचना क्या है अब, तो जल्दी से केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करें, स्टोर वाले सेक्शन में जाओ बच्चों, और स्टोर वाले सेक्शन में जाकर के चेकआउट करो ये कोर्स, और जितना जल्दी हो सके बाय करें, परचेज करें, ताकि आप लोग इन सभी चीजों को जल्द से जल्द तैयार कर पाए और अपनी मार्कशीट में 4 चांद लगा पाए। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, पिछले 10 सालों के साइंस के, मैथ्स के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, मार्क वाइज वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं केल्विन लाइव ऐप में। तो जल्दी से जाएं, केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करो, इंग्लिश वाला जो आपके कोर्स दिया है वो वाला भी परचेज कर लीजिए, और इनका फ्री एक्सेस भी ले लीजिए बच्चों। तो इंतजार किस बात का है, अभी डाउनलोड करो केल्विन लाइव ऐप को, और मिलते हैं बच्चों इंग्लिश के कोर्स में।